संभल कर वार करना, मुझे वो जिंदा चाहिए। चौकन्ने रहना। क्या मैक को एक बार भी शक नहीं हुआ कि एक जख्मी डिसेप्टिकॉन से मिल रहा सिग्नल बिछाया हुआ जाल हो सकता है? अगली बार ये जरूर याद रखूंगा। अगली बार ब्रेकडाउन का जो हाल तुमने किया उसकी वजह से तुम डिसेप्टिकॉन्स के रेडियो पर छाए हुए हो। एक एक्स डिसेप्टिकॉन होने के नाते मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन एक पुरानी दुश्मन और उसके इंसानी दोस्त ने मेरे शिप को बर्बाद कर दिया है। मुझे उनका हिसाब चुकता करना है, दोनों का। क्या है कि जहाँ डिसेप्टिकॉन्स नहीं पहुँच पाते वहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। बस कोई मेरी इस प्लैनेट से पहचान करा दे। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम्हें वो चाहिए ना जिसे तुम ट्रांसफॉर्मर कहते हो? क्यों है कि नहीं, आरसी के टुकड़े करने के बाद उसके सारे पुर्जे तुम्हारे होंगे, मेरा वादा है। मेरे साथ वॉक लेने के लिए थैंक्स जैक, तुम कितने अच्छे हो। इतनी रात को तुम्हारी आवाज यहाँ गूंजेगी। मॉम कच्ची नींद सोती है और मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगी कि क्या समझू जैक। यही कि इस महीने में तीसरी बार तुम देर से आए हो मॉम, या ये कि तुम्हारे आज फिर काम पर ना जाने पर तुम्हारा बॉस फोन क्यों करता है, या उस ईमेल को जिसमें तुम्हारे आर्ट हिस्ट्री टीचर ने तुम्हारे क्लास में सोने की शिकायत की है। दोनों वर्ड ही कितने बोरिंग है, आर्ट और हिस्ट्री। कहीं वो अफवाहें सच तो नहीं है जैक? क्या तुम मोटरसाइकिल पर रेसिंग करते हो? नहीं नहीं, रुके रुके, ये आपसे किसने कहा? छोटा शहर है, बातें होती हैं। मैं इमरजेंसी रूम में काम करती हूँ जैक, हर रोज हादसे देखती हूँ, इसलिए फिक्र है। कहीं तुम किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए हो ना? क्या, नहीं 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 नहीं, मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मैंने तुम्हें बाइक इसलिए चलाने दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी से चलाओगे, लेकिन शायद तुम अपने किए वादे को भूल गए हो। याद आ गया मॉम, वादा निभाऊंगा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। देखते हैं कि कुछ हफ्तों तक इस बाइक से दूर रहकर तुम कोई शिकायत का मौका देते हो या नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम घर और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम बाइक पर जाना चाहो तो साइकिल ले जा सकते हो। ध्यान से सुनो जैक, अगर मुझे ये बाइक यहाँ खड़ी नहीं मिली तो अब जाओ, मुंह हाथ धोकर सो जाओ। आई लव यू। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। घबराओ मत आरसी, तुमसे रोज यहाँ मिलने आऊंगा। जैक, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं दो हफ्तों तक एक ही जगह पड़ी नहीं रह सकती। नहीं नहीं नहीं, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? देखो आरसी, मुझे पहले ही उनसे इतने सारे झूठ बोलने का अफसोस है, ऊपर से तुम नहीं रुकी तो वो समझेंगी मैं सच में बिगड़ गया हूँ। गहरी सांस लो जैक, तुम्हारी मॉम नाइट ड्यूटी पर है, मैं उनके घर वापस आने से पहले आ जाया करूंगी, लेकिन वादा नहीं करती।
हाय मॉम। जैक, आज तुम खाना बाहर से मत मंगाना। मैं आज घर जल्दी आऊंगी, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी, ऑलराइट? वाह, घर का खाना, क्या बात है। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊंगा, ठीक है? लव यू, बाय। फोन प्लीज, लग जा लग जा लग जा लग जा। हर्षी, तुम इस वक्त गैराज में ही हो ना? नहीं जैक, बाद में बात कर सकते हैं। नहीं, मॉम घर पहुंचने वाली हैं। अगर तुम वहां उनसे पहले नहीं पहुंची तो मॉम मुझे तो छोड़ेगी नहीं, साथ ही मुझसे तुम्हारे सारे पार्ट्स भी बिकवा देंगी। बम्बलबी, इनसे अकेले निपट लोगे? रैचेट, ब्रिज खोलो। जैक, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मोटरसाइकिल कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? वही है जहाँ उसे छोड़ा था। क्या तुम्हारा कोई दोस्त इसे चुपके से यहाँ ले आया, या ये अपने आप यहाँ पहुँच गई? ठीक है मॉम, आपको सब सच बता देता हूँ। अपना दिल थाम लीजिए, मेरी मोटरसाइकिल दूसरे प्लैनेट से आई एक सेंटिएंट रोबोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी एक टीम अर्थ पर है जो खुफिया जंग लड़ रही है, और मैं स्कूल के बाद इसके क्रू के साथ ही सारा वक्त गुजारता हूँ। जैक, एक मजे की बात बताऊं, ये इसका असली रूप नहीं है, असल में ये एक बड़ी सी रोबोट है जो बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस करो जैक। डरो मत अर्जी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लगता है शर्मा रही है आरसी। चलो, छुपने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठ बोलने की। चलो ना, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो जिसे मैं बुरी संगत समझ रही थी, वो एक साइंस फिक्शन क्लब है। मुझे अभी काम पर जाना है, घर लौटकर इसके बारे में बात करेंगे। साथ देने के लिए थैंक्स पार्टनर। मुझे दोष मत दो, याद है मैं जानता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा वजूद ही नहीं है। उस धमाके से तुम्हारी शिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर शिप से मिली रिकॉर्डिंग के कुछ फ्रेम्स ठीक कर पाया है। ये वही है मेरा जैक, ये मिल जाएगा। बस इसकी इमेज को वेब के जरिए हर जगह पहुँचाना होगा। वैसे वो वेब अलग है। ये तो बहुत ही जल्दी मिल गया। ये गवर्नमेंट का डेटाबेस है, सोशल नेटवर्किंग पेज है। जैक टॉबी की जितनी जानकारी चाहिए वो सब मिलेगी। उम्र 16, जैस्पर नेवारा, मॉम जून डार्बी, एक नर्स है। शायद मैंने जैक को ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन उसने झूठ कहा। अगर मैं उसे डांटूंगी नहीं तो वो आरसी, मॉम घर पर पहुंची, उनकी कार नहीं दिखी। पता नहीं, मैं तो ब्रिज के जरिए यहाँ झट से आ गई। ओह, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। हेलो जैक। साइलस। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैक। इन्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? हम तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना तुम भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? उन्हें कुछ मत कर। जैक, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो माँ और बेटे को जल्द से जल्द मिलवाना चाहते हैं। तुम्हें और आरसी को बस इस कम्युनिकेटर में दिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है, वो तुम्हें सीधे हमारे ठिकाने पर ले आएंगे। रिचर्ड, आरसी, मैं बताना भूल ही गया कि वो कम्युनिकेटर सिग्नल और दिमाग दोनों पर असर करता है। अगर कम्युनिकेशन टूटा या ऑटोबॉट्स को बुलाने की कोशिश की
तुम इस चाबी के अंजाम के जिम्मेदार तुम दोनों खुद हो गए। काश मैं इस सब में पड़ा ना होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जैक, मैक सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हैं। एक बार मैं उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हारी मॉम को छोड़ देंगे। यानी एक को खोना ही पड़ेगा। तुम भी तो अपनी ही हो। तो कोई प्लान है? वही पुराना। मॉम, जून को ढूंढ रहे हो? वो यहीं कहीं झूल रही होगी। एराक्निड, ये यहाँ क्या कर रही है? इनकी मदद करो प्लीज। ये तुम्हारी तरह इंसान है, तुम एराक्निड को ऐसा नहीं कर। साइंस के ऐसे अजूबे के सामने चंद इंसानों की जिंदगियां तो बहुत छोटी सी कीमत है। अर्शी, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी, प्रॉमिस। आगे बढ़ो। इंसानों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन एक बात जान गई हूँ कि तुम लोगों को अपनी फैमिली प्यारी होती है, और इसलिए अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली को तड़पाऊंगी तो बदला लेने में और ज्यादा मजा आएगा। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है ना, मुझे खेल खेलना पसंद है ना जैक? तो तुम्हें अपनी मॉम को बचाने का एक मौका देती हूँ। मैंने उन्हें नजदीक ही टांगा है। अगर तुम 12 बजने से पहले उन्हें बचा पाए तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। डील? और नहीं कर पाया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज इसे ऐसा मत करने दो, हमें जाने दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। बस बहुत हुआ। चलो जैक, अब खेल शुरू करो। 6 मिनट बचे। मॉम, मॉम! सौदे के हिसाब से तो इस पर हाथ साफ करने का मौका पहले उस मकड़ी को देना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि उसका काम होने के बाद वो हम पर भी हमला कर देगी। सर, इस वक्त इसे साथ ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम कुछ पुर्जे ले जाएंगे। टुकड़े कर दो इसके। मैं आपको निकालता हूँ। जैक, रोबोट्स वाली बात सच है? मैं वक्त पर पहुँच गया। गलत कहा जैक, इस खेल में तुम्हें 12 बजने से पहले इन्हें ढूंढना नहीं बल्कि इन्हें बचाना था। वक्त खत्म हुआ। बैठ जाओ और खौफनाक मंजर का मजा लो। जल्दी करो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वैसे जैक, ये तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें सजा चुनने का हक है, तो तुम ही बताओ कि सिर्फ मारूं या तड़पा तड़पा के मारूं? नहीं, नहीं।
जैक, तुम्हारी मॉम का फैसला करो, उनसे इंतजार मत कराओ। तुम टायर्ड हो, जाने दो हमें। सिर्फ एक ही पुर्जा ले जाने का वक्त बचा है, सीधा दिल ही निकाल लो। भागने दो से, उसकी कमजोरी मिल गई वो भी मिल ही जाएगी। जैक, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्यों ना इन्हें ही फैसला करने दो। मॉम, आई एम सॉरी। जैक, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल थी ना? मैं सब बताऊंगा मॉम, रुको, मैं तो बता चुका हूँ। ब्रेकडाउन नहीं संभला तो मैं तुम्हें क्या खाक संभाल पाते। अभी आई जून। उस मकड़ी को निशाना बनाओ। ये हम तक पहुंचे कैसे? हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें बचाने के लिए थैंक्स। पता नहीं था इसमें डिसेप्टिकॉन्स भी शामिल है, वरना प्राइम को भी ले आता। अच्छा हुआ नहीं लाए, मॉम आज पहले ही काफी कुछ देख चुकी है। वाकई काबिले तारीफ है, जीनियस। मिसेस डार्बी, मैं हूं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर। आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जैक एजेंसी में मेरे लिए काम करता आ रहा है। एजेंट फाउलर, इन्हें ये बात हजम नहीं हुई। ये सही कह रहा है एजेंट फाउलर। बिना सबूत छोड़े भाग गए, सही कहा ना? और ये तुम्हारी क्या है?
मोटरसाइकिल, रखवाली, ऑटोबॉट, दोस्त। मैं आरसी हूं। थैंक यू आरसी। आपको राइड पर ले जाने के वादे को पूरा करने का वक्त आ गया। मिलिए मेरे साइंस फिक्शन क्लब से।